हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.7 का लास्ट क्वेश्चन करने लगे। आज हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। आज हम एक्स और वाई वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2xy = 7, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे। xy + 3y² = 2, इसको पहले तरतीब से लिखेंगे क्योंकि 3y² पहले लिखेंगे और एक्स वाई को बाद में, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाए, इनकी ये वेरिएबल इक्वल है 2, इसका नाम रखेंगे क्वेश्चन 2। अब आपने इस 2 की मदद से इसको मल्टीप्लाई करना है सब क्वेश्चन 1 को, वही हम करने लगे। मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1 बाय 2, ये 2 से मल्टीप्लाई किया 2x², इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -4xy, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, इसका नाम आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने इस 7 की मदद से इसको मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन 2 को। मल्टीप्लाई क्वेश्चन 2 बाय 7, जब हमने 7 को इससे मल्टीप्लाई किया 3y² से तो 21y², फिर 7 को xy से मल्टीप्लाई किया 7xy, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 4। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्वेश्चन 3 को 4 में से, ठीक है। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 3 बनाओगे क्वेश्चन 4, यहाँ पर क्वेश्चन 3 लिखी 2x² - 4xy = 14, और इधर 4 लिखी -21y² + 7 - नहीं प्लस किया पहला 7xy = 14, इधर हम माइनस करेंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर लिया, हम चेंज कर दी, इधर भी माइनस कर देंगे, इधर भी कटिंग हो गई, प्लस माइनस इधर आएगा 0, और इधर 2x², ये x² वाली है, ये y², ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, वेरिएबल हैं, तो इसको पहले लिखेंगे 2x² को, ये लाल चेंज हो गई माइनस करने से, तो -21y², इधर दोनों सेम है वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया, 4 और 7 = 11xy = 0। अब हम इसको थोड़ी तरतीब लगाएंगे ताकि क्या फैक्टराइजेशन कर सकें। 2x² पहले लिखेंगे, फिर -11xy को सेंटर में, -21y² को साइड पे, इक्वल है 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 को 2 से तो आ जाएगा -42। -42 के ऐसे पेयर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो -42 आए और प्लस माइनस करें तो -11xy, तो ये हमारा बन जाएगा -14 और 3 का पेयर, दोनों को माइनस किया जाए तो -11 और मल्टीप्लाई किया जाए तो -42 आ जाता है। 2x² वैसे का वैसे आ गया, तो इसको हमने पेयर बनाया जो है, तो -14xy + 3xy - 21y² = 0। इन दोनों में गाइस आप देख सकते हैं क्लियरली 2 कॉमन है, 2 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं और x भी कॉमन है, ये छोटी पावर, तो इधर आ गया 2x कॉमन, x - 7y बच गया, और इधर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 3 के टेबल पे हो जाता है, 3 1 3 3 7 × 21, और y भी दोनों में छोटी पावर y है, तो 3y को कॉमन ले लेंगे, प्लस 3y बाहर आ गया, x - 7y अंदर ब्रैकेट में = 0। अब ये दो मरतबा है, इनमें से एक मरतबा कॉमन ले लिया x - 7y, इधर से 2x + 3y = 0, एक मरतबा x - 7y = 0, दूसरी मरतबा 2x + 3y = 0, इधर x = -7y, लेफ्ट साइड राइट साइड पे आगे प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 5, x = 7y। अब 2x + 3y = 0, ये प्लस का 3y है, राइट साइड पे आगे माइनस का हो जाएगा 3y, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे 2y, तो x = -3y / 2, इसका नाम रखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्यों करेंगे? क्योंकि इधर x एक वैल्यू है, इसमें 2 है, इसलिए हम चूज करेंगे क्वेश्चन 2 को। तो पुट x = 7y = 2, ये समझ लगे कि 1 क्यों नहीं की, 2 इसलिए किया है इसमें x एक मरतबा है, 3y² + xy = 2, ये क्वेश्चन 2 है, इधर 3y² + x की जगह रिप्लेस करेंगे 7y को, y आ गया = 2, 3y² + 7y को y से मल्टीप्लाई किया, y² = 2, 3y² + 7y² में ऐड किया 3 और 7 10y² = 2, इधर 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे डिवाइड, y² = 2/10, 2 1 2 2 5 10, y² = 1/5, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ यूज कर लिया आपने, y² = √1/5, y स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, y रह गया = ±1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 5 का स्क्वायर रूट 5। अब हमने इस वैल्यू को y की वैल्यू को बड़ी बार प्लस माइनस 1 और स्क्वायर रूट 5 इक्वेशन 5 क्वेश्चन y को यूज किया था, क्वेश्चन 5 में y की वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन 5 ये है x = 7y, x = 7y = +-1/5, हासिल हुई जब हमने y की +-1/5 पुट की, तो ये हमारा पहला सलूशन आ गया। अब पुट x = -3y/2, इसकी वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू आप पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, इधर क्यों करेंगे, इसमें x एक मरतबा है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया हमने, 3y² + xy = 2, 3y² + अब x की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे -3y/2, तो y को y = 2, 3y² + -3y को y से मल्टीप्लाई किया 3y² / 2 = 2, इधर हमने एलसीएम लिया 2, इसके नीचे कोई नहीं, इसका 1 होता है, 2 1 2 2 3 टाइम्स 6y²
और इधर वन था, वन को क्लास में डिवाइड किया तो माइनस वन को थ्री वाई स्केल, थ्री वाई स्केल इक्वल टू टू। सिक्स वाई स्केल में से थ्री वाई स्केल माइनस कर दिया तो थ्री वाई स्केल बच गया, ये टू डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई, टू मल्टीप्लाई टू, थ्री वाई स्केल इक्वल टू 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 टाइम फोर, थ्री इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, वाई स्केल की वैल्यू आ गई फोर ओवर थ्री। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर और स्केयर रूट कट गया और प्लस माइनस स्केयर रूट फोर ओवर थ्री, ये स्केयर रूट और स्केयर कट गया तो वाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस फोर, जो होता है डायरेक्ट स्केयर रूट ले टू और डिवाइडेड थ्री का खत्म नहीं होता, थ्री का स्केयर रूट बढ़ा जाएगा। अब हम एक दफा प्लस की वैल्यू यूज करेंगे इधर से, एक दफा माइनस की, बट वाई इक्वल टू ओवर स्केयर रूट थ्री, ये क्वेश्चन है सिक्स इस क्वेश्चन में, ये वाले एक्स इक्वल माइनस थ्री वाई ओवर टू, तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री ओवर टू हो गया और वाई की ये जो वाई था इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दी टू ओवर स्केयर रूट थ्री, टू टू से कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री ओवर स्केयर रूट थ्री। अब हम ये थ्री की फुल वैल्यू है वन और ये थ्री का जजर का मतलब है वन ओवर टू, ये हाफ वैल्यू है, यहाँ हम क्लोन यूज करेंगे जो एक्सपोनेंशियल ला, तो वन ऊपर वाली पावर बड़ी है नीचे छोटी है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस कर देंगे, वन माइनस वन ओवर टू, तो ये फुल है ये हाफ है, तो वन फुल में से हाफ माइनस कर दो, हाफ वैल्यू है वन ओवर टू माइनस थ्री वन ओवर टू, एक्स इक्वल टू माइनस और इसको हम स्केयर रूट में वन ओवर टू को उसमें जजर में चेंज कर दिया जजर थ्री। जब हम एक्स की वैल्यू माइनस स्केयर रूट थ्री में लिखा में लिखा तो वाई की जब पुट की थी टू ओवर स्केयर रूट थ्री, ये हमारा आ गया सेकंड सॉल्यूशन, पुट वाई इक्वल टू माइनस टू ओवर स्केयर रूट थ्री, पहले प्लस की पुट की थी अब माइनस वाली, इन क्वेश्चन है सिक्स, फिर उसी क्वेश्चन में जाएंगे, इसमें एक्स इक्वल टू माइनस थ्री और वाई की जगह रिप्लेस कर दूंगा मैं माइनस टू ओवर स्केयर रूट थ्री, तो यहाँ पर हम माइनस टू और टू कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस थ्री वन थ्री, इधर वन बच गया था और यहाँ स्केयर रूट थ्री बच गया नीचे। अब फिर से सेम तरीका करेंगे, जदर का मतलब होता है वन ओवर टू, तो इसकी वैल्यू वन है पावर है इसकी वन ओवर टू, ये बड़ी है ये छोटी है, तो छोटी पावर ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस थ्री की पावर वन माइनस वन ओवर टू, ये एक्सपोनेंशियल ला है वो क्लोज क्यों नहीं है, वन माइनस वन ओवर टू, तो ये फुल है वन है ये हाफ है, तो फुल में से हम हाफ को माइनस कर दे तो हाफ है जल्दी वैल्यू वैल्यू वन ओवर टू, तो इसको मैं स्केयर रूट में लिख दूंगा थ्री एक्स का वाई इक्वल टू, जब एक्स की वैल्यू हमें स्केयर रूट थ्री हासिल हुई जब हमने वाई की माइनस टू ओवर स्केयर रूट थ्री पुट की, तो ये हमारा थर्ड सिलसिला। अब लास्ट में सिलसिला जो हमारा है वो इन तीनों का मजमुआ होगा, पहला ये वाला प्लस माइनस सेवन ओवर स्क्वायर रूट फाइव का प्लस माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट, दूसरा ये वाला माइनस स्क्वायर रूट थ्री का टू ओवर स्क्वायर रूट, तीसरा ये वाला स्क्वायर रूट थ्री का माइनस टू ओवर स्क्वायर रूट, ये हमारा आ गया आंसर। ओके गाइस, मेरा लेक्चर कैसा लगा, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल ओवर मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, आपका बहुत ख्याल।